मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक एलियन ने चांद को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। अब हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत निल बच्चे होते हैं और उन्हें कुछ नहीं आता होता। स्कूल उन्हें एक ऐसी क्लास में भेज देता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूजर्स थे। सब लोग इनकी हरकतों की वजह से तंग थे और इनका मजाक बनाया करते थे। इवन उन्हें उस स्कूल में भी पढ़ने की इजाजत नहीं थी और पहाड़ के पास एक पुराना सा रूम उनका क्लासरूम था। इनका टीचर कौन है ये जान के आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये वही एलियन है जिसने चांद को तबाह किया है। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि वो एलियन इनका टीचर क्यों है। दरअसल उस एलियन ने इन स्कूल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं बच्चों को एक साल तक पढ़ाऊंगा। वो स्कूल वालों से कहता है कि अगर आपका कहना है कि बच्चे बहुत शरारती हैं तो हो सकता है कि एक साल के अंदर अंदर मुझे भी बाहर निकाल मारे, लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं इनको कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा। अगर ये लोग मुझे मार सके या क्लासरूम से बाहर निकाल सके तो मैं हमेशा अकेले चला जाऊंगा। इसके अलावा इस क्लास का एक असिस्टेंट टीचर भी होता है जो कि इस क्लास को ट्रेन किया करता था। वो एक बहुत अच्छा सोल्जर भी था। वो आकर अपनी क्लास को समझाता है कि तुम लोगों का काम इस एलियन को मारना है। ये एलियन बहुत पावरफुल है और तुम लोगों का दुश्मन है। तुम लोग कभी भी इस पर तरस मत खाना। तुम लोगों को जल्द से जल्द इसे यहाँ से भेजना होगा ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सकें। और जो इसे मार डालेगा या इस दुनिया से बाहर निकाल देगा उसे 10 मिलियन वॉन मिलेंगे। असिस्टेंट टीचर बताता है कि इसके भागने की स्पीड बहुत ज्यादा है और तुम लोग कभी भी नहीं इसको पकड़ पाओगे, लेकिन तुम लोग फिर भी अपनी बेस्ट ट्राई देना। उस सोल्जर यानी असिस्टेंट टीचर के पास एक बॉक्स भी होता है जिसमें बहुत एडवांस वेपन्स थे, लेकिन उस एलियन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसता है और गन उठाकर अपने ही टेंटिकल को शूट कर लेता है। उसका टेंटिकल टूटकर नीचे गिर जाता है और उसे कोई पेन नहीं होती। यहाँ हमें पता चलता है कि वाकई कितना स्ट्रॉन्ग था। इसमें एक और एबिलिटी ये थी कि इसके बॉडी पार्ट्स रीग्रो कर जाते थे, लेकिन इसकी वजह से उसको एक नुकसान भी है कि जितनी वो पावर लगाएगा अपने बॉडी पार्ट्स रीग्रो करने में उतनी उसकी स्पीड में कमी आती जाएगी। अब नेक्स्ट डे सब स्टूडेंट्स का इस एलियन टीचर के साथ पहला दिन था और वो सब अपने अपने तरीके से इसको शूट करने लगते हैं, लेकिन कोई भी बुलेट इस एलियन टीचर को हिट ही नहीं कर पाती। उसी क्लास के लिए गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी असेसन बिहार करती है जो कि बहुत अच्छी निशानेबाज भी थी। उसी क्लास में एक लड़का नागिसा भी था। वो अपनी डायरी में उस एलियन टीचर के बारे में कुछ ना कुछ लिखता ही रहता था, जिसकी हेल्प से वो एक दिन उस एलियन टीचर को मार सके। लेकिन तभी उसके पास कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं कि हमारे प्लान में शामिल हो जाओ, हम उसे मिलकर मारेंगे। अब वो उसे एक चाकू देकर उस एलियन के पास भेजते हैं। वो जैसे ही उस एलियन के पास जाता है और उसे स्टैब करने वाला होता तो वो एलियन उसके पास ग्रेनेड देख लेता है और इसी चक्कर में वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे एलियन मर गया हो। वो लड़के भी काफी खुश थे कि अब हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि नागिसा के ऊपर एक अजीब सी कवरिंग है और उसे ब्लास्ट की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी उस कवरिंग को देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एलियन टीचर नजर आता है, यानी वो मरा नहीं था। इनफैक्ट ये कवरिंग भी उस एलियन की स्किन थी जो कि वो हर साल शेड किया करता था। वो बहुत गुस्से में होता है और उसका स्किन कलर बदलने लगता है। वो बच्चों से कहता है कि हमारे एग्रीमेंट में शामिल था वो तुमने नहीं किया, तुम्हें सिर्फ गन से शूट करना अलाउ था, लेकिन तुमने ग्रेनेड का इस्तेमाल करके बहुत गलत किया। अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम लोगों के घर वालों में से किसी को जरूर नुकसान पहुंचा सकूंगा, और याद रखना मैं ऐसा करूंगा भी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उसी क्लास के बच्चे उस एलियन टीचर को एक नेट में फंसा कर उसे शूट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एलियन टीचर वहां पर भी उनका निशाना लगने नहीं दे रहा होता। असिस्टेंट टीचर ये सब वहां पर खड़ा देख रहा था और तभी वहां पर एक नया स्टूडेंट आता है। वैसे तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन किसी लड़ाई की वजह से उसे यहाँ पर भेज दिया गया। वो सीधा उस एलियन टीचर के पास जाता है और उसे हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। एलियन भी अपना हाथ उसे मिलाने के लिए आगे कर लेता है, लेकिन उसके टेंटिकल जख्मी हो जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट ने अपने हाथ में कुछ ब्लेड्स लगाए हुए थे। ये वो पहला लड़का था जो कि इस एलियन को चोट पहुंचाने में कामयाब हो सका, यानी ये वाकई काफी ब्रिलियंट था। दिन गुजरते गए और वो रोज नए तरीकों से उस टीचर को मारने की कोशिश करता था, लेकिन उसे कुछ भी ना होता। अब एक दिन वही जगह पर बैठा होता है और नागिसा भी वहां पर होता है। नागिसा उसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया, तो वो लड़का कहता है कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था, मेरी क्लास टीचर भी मुझे बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरी क्लास का एक बच्चा आपकी क्लास के एक बच्चे को बहुत बुरी तरह मार रहा है। मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी क्लास के बच्चे के साथ लड़ाई की और मुझे
ऐसा करते हुए देख लिया गया। वो मजीद बताता है कि किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे फाइटर समझा गया। इवन मेरे क्लास टीचर ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। वो कहता है कि इस वजह से मेरा बहुत दिल टूटा और हमें टीचर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करता और इसीलिए मुझे यहाँ भेज दिया गया है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो एलियन टीचर आ जाता है। वो ब्रिलियंट स्टूडेंट उसे पूछता है कि क्या आप अच्छे टीचर्स की तरह हैं जो कि मुश्किल वक्त में बच्चों का साथ देते हैं, या बुरे टीचर्स की तरह जो उनका कभी भी कहीं भी ख्याल नहीं रखते। ये कहते ही वो पहाड़ से नीचे जंप लगा देता है। उसके हाथ में गन भी थी जिसे वो उस एलियन टीचर को शूट करने वाला था। एलियन टीचर भी फौरन से उसके पीछे कूद जाता है और अपनी फॉर्म बदल कर एक वेब बना लेता है जो कि उस खाई के चारों तरफ छुड़ गया था। वो ब्रिलियंट स्टूडेंट उस पर गिर जाता है। वो एलियन टीचर से कहता है कि वाह, आप तो बड़े अच्छे टीचर निकले। अब हम देखते हैं कि उस वाक्य को जब चांद तबाह हुआ तो माँ गुजर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है। ये एलियन टीचर इस वक्त जापान में रह रहा था और इसको रोकने के लिए या मारने के लिए दूसरे मुल्क जापान पर मिसाइल भेज रहे थे, लेकिन ये एलियन टीचर उन सब मिसाइल्स को खुद रोक लेता है। दूसरी तरफ हम उस सोल्जर को देखते हैं, यानी उसी असिस्टेंट टीचर को जो कि आर्मी चीफ से बातें कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि इस क्लास के बच्चे अभी इतने भी बहादुर नहीं हुए कि उसका मिलकर मुकाबला कर सके, तो मैं इनकी क्लास में एक और स्टूडेंट भेज रहा हूँ कल। अब अगले दिन हम स्टूडेंट को उस क्लासरूम में देखते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं एक रोबोटिक इंटेलिजेंस थी जो कि एक बॉक्स में थी और उसके साथ काफी वेपन्स भी अटैच थे। वो स्पेशली उस एलियन टीचर को मारने के लिए डिजाइन की गई थी। जैसे ही क्लास शुरू होती है और वो एलियन टीचर उसके सामने आता है तो बिना कुछ सोचे समझे फौरन फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे अपनी चेयर्स के नीचे छुप जाते हैं कि कहीं गोली उन्हें न लग जाए। सब स्टूडेंट्स को बहुत गुस्सा आता है कि जब हमें जो एक काम दिया गया है और हम उसको कर तो रहे हैं, तो फिर इस रोबोट को क्यों हायर किया गया है जिससे हमारी जान को भी खतरा है। तो वो उसको चेन से बांध देते हैं। उसके बाद वही एलियन टीचर उस रोबोटिक इंटेलिजेंस के पास जाता है और कहता है कि देखो, तुमने आते साथ इतना गुस्सा किया और बच्चे भी तुमसे डर गए। अगर तो तुम मुझे वाकई मारना चाहती हो तो क्या तुमने कभी सुना है कि इत्तेफाक में बरकत है? तुम पहले उन सब स्टूडेंट से दोस्ती करो और फिर मुझे मिलकर मारना, हो सकता है कि तुम इसमें कामयाब भी हो जाओ। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो रोबोटिक इंटेलिजेंस हर बच्चे के सेल फोन में एक मैसेज भेजती है, जिसको देखने के बाद सब बच्चे उस रोबोटिक इंटेलिजेंस को काफी अच्छा समझते हैं और उनमें आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन क्लास स्टार्ट होती है और हम एक और नए स्टूडेंट को देखते हैं। वो बार बार यही कहे जा रहा था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और तभी उसका मेंटोर यानी ट्रेनर भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैंने इसे बहुत अच्छी तरह ट्रेन किया है। और तभी वो नया स्टूडेंट बोलने लगता है कि ये एलियन टीचर मेरा भाई है क्योंकि हमारा खून ही एक है, लेकिन मैं फिर भी इसे मार दूंगा ये प्रूव करने के लिए कि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब क्लास में उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। उस नए स्टूडेंट के भी टेंटिकल्स निकल आते हैं, जिसे देखकर वो एलियन टीचर काफी हैरान होता है। उन दोनों में काफी ह्यूज फाइट होती है, लेकिन तभी एलियन टीचर उसके टेंटिकल्स को इंजर्ट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस नए स्टूडेंट का ट्रेनर आता है और कहता है कि तुम हार नहीं मानोगे, तुम्हें दोबारा से खुद को तैयार करना होगा। फिर हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट्स उस एलियन टीचर के पास आते हैं और पूछते हैं कि आपको हमारी क्लास में क्यों भेजा गया। तो वो कहता है कि इसके पीछे कोई वजह है जो कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं यहाँ दुनिया को तबाह करने आया था। इससे पहले अगर तुम लोग मुझे मार दो तो तुम लोग जीत जाओगे, लेकिन अगर इससे पहले मैंने तुम्हें मार दिया या हरा दिया तो मैं जी जाऊंगा और दुनिया को तबाह कर दूंगा। वो स्टूडेंट से कहता है कि तुम लोग पूरा हफ्ता मेरे साथ रहो और मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दिया करूंगा। वो इतना ज्यादा पावरफुल था और उसकी इतनी ज्यादा स्पीड थी कि वो हर एक बच्चे के पास जाके बारी बारी उसे पढ़ा रहा था, और वो भी एट अ टाइम। दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस क्लास की रिपोर्ट चेक कर रही होती है तो उसे इस क्लास में कोई बेहतरी नजर नहीं आती, तो वो पहले असिस्टेंट टीचर यानी सोल्जर की जगह कोई दूसरा सोल्जर भेजती है। अब वो सोल्जर को स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हुआ दिखाया जाता है कि तभी ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की किर्श आती है और वो कहती है कि मैं और नहीं कर सकती, तो वो सोल्जर उसे पंच करने लगता है कि उठो, तुम्हें ये करना होगा। तभी वहाँ पर उनका पहला ट्रेनर आता है और दूसरे ट्रेनर का हाथ पकड़ कर रोक लेता है। तो दूसरे ट्रेनर उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा खास बंदा है जो मुझे हरा सके तो भेजो उसे, मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाऊंगा। वो पुराना सोल्जर ना कि साबित ट्रस्ट किया करता था, तो वो उसे चूज करता
कहता है कि तुम इससे लड़ोगे। उसे एक चाकू दिया जाता है कि इससे उसे स्टैब करना है। वो पहले तो बहुत घबराता है लेकिन कहता है कि एक चैलेंज ही तो है। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और वो जल्दी से उस दूसरे ट्रेनर को गिरा कर उसकी गर्दन पर चाकू रख लेता है। जब दूसरे ट्रेनर को ये बात फील होती है कि वो हार चुका है तो वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कहता है कि मुझसे दोबारा लड़ो, लेकिन नागिसा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो ट्रेनर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सब के सब स्टूडेंट्स उसे बहुत चेयर कर रहे थे कि तुमने कर दिखाया। अब हम देखते हैं कि वो सोल्जर यानी पुराना असिस्टेंट टीचर उस एलियन टीचर से बात कर रहा होता है कि वैसे तो नागिसा लूजर्स की क्लास में है लेकिन है बहुत ब्रिलियंट, इसमें बहुत सारी एबिलिटीज है, वो एक अच्छा असैसिन बन सकता है यानी लड़ाई करने वाला। अगले दिन हम देखते हैं कि बारिश हो रही है और उस एलियन टीचर का बिहेवियर भी काफी अजीब हो जाता है। नागिसा ये बात नोट करता है कि बारिश के पानी की वजह से उसकी बॉडी स्वेल हो रही है और ये बात भी वो अपनी डायरी में नोट कर लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब क्लास शुरू होती है तो सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही कभी इस एलियन को मार पाएंगे। लेकिन साथ ही उनके जहन में बात आती है कि अगर हमने इसे हरा दिया तो हमें इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे जिससे हमारी जिंदगी बदल सके। वो असैसिन जो घर में नहाय की हुई थी एलियन उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझ पे एक ही बार करके पीछे हट जाओगी, क्या तुम्हारा कोई दूसरा प्लान नहीं होगा, यहाँ तुम्हारे पास कोई और वेपन नहीं होगा जिससे तुम आजमा कर मुझे मार सको। वो ट्रेनर से भी सेम सवाल पूछता है तो ट्रेनर उसे कहता है कि नहीं, अच्छा असैसिन वो होता है जो कभी हार ना माने और दूसरी बार भी लड़े। तो वो एलियन टीचर कहता है कि बस यही मुझे सुनना था और तुम लोग अपना दूसरा प्लान भी रेडी रखना क्योंकि मेरा भी कुछ पता नहीं मैं कब यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन तुम्हें तो मुझे हराना है ना। वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं भी एक काम करके दिखाता हूँ। वो फौरन से स्पेस में जाता है और वहाँ से एक सैटेलाइट जमीन के ग्राउंड में दे मारता है यानी स्कूल के ग्राउंड में और वो ब्लास्ट हो जाती है। वो कहता है कि मैं इसी तरह दुनिया को भी डैमेज करके हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को एक चांस दे सकता हूँ, आगे फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं और जो उसमें अच्छे मार्क्स लेकर टॉप करेगा उसे मैं ये मौका दूंगा कि वो मेरे एक टेंटिकल को शूट कर सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे टेंटिकल को शूट करने से मेरी स्पीड कम हो जाएगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप मुझे मार सकें। इस बात को सुन के सारे स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर हमने अच्छे मार्क्स ले लिए तो हम उसको शूट कर सकेंगे और उसे हरा सकेंगे। अब वो एलियन टीचर एग्जाम्स में भी उनकी बहुत मदद करता है, उन्हें अपने साथ स्पेस में भी लेके जाता है और पूरी दुनिया भी घुमाता है। जब फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि 6 बच्चों ने टॉप किया है। सब बच्चे काफी खुश हो जाते हैं कि 6 ही टॉपर्स हैं और उसके टेंटिकल्स भी 6 हैं। हम इसके सारे टेंटिकल्स को शूट कर देंगे ताकि इसकी स्पीड बहुत कम हो जाए और हम जीत जाए। वो सब इसके लिए बहुत तैयारी करते हैं और अब वो दिन भी आ चुका था जब उस एलियन टीचर को इन लोगों ने शूट करना था। तो उसे बांध देते हैं और एक एक करके उसका टेंटिकल शूट करते जाते हैं और फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स उस पर पानी भी फेंक रहे थे, इसकी वजह से उसकी बॉडी स्वेल हो जाती है और फिर वो एलियन टीचर वहां से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसका सर एक क्लास में बंद हो चुका है और पूरे एक दिन यानी 24 आवर्स के लिए वो ऐसे ही रहने वाला था। तभी वहां पर वो नया सोल्जर आता है जो कि कर्मेंट ने दूसरे ट्रेनर के तौर पर हायर किया था। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे आसानी से हरा सकोगे। वो कहता है कि मैंने पानी में वायरस पिला दिया है। और तभी वहां पर वो स्टूडेंट आता है जो कि एलियन को अपना भाई कहा करता था। वो कहता है कि तुम्हें इस वायरस से कोई नहीं बचा सकता, इसकी वैक्सीन यानी एंटीडोट भी हमारे पास है और तुम 3 दिन के अंदर मारे जाओगे। और तभी वहां पर वो ब्रिलियंट स्टूडेंट आता है और नागिसा को अपने साथ एक टॉवर पर ले जाता है, लेकिन वहां पर भी उस एलियन टीचर का भाई आ जाता है। मौसम काफी खराब हो रहा था और बारिश होने लगती है, इसकी वजह से एलियन के भाई के टेंटिकल्स काफी वीक हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसी बात का फायदा उठाते हुए नागिसा उसके टेंटिकल्स काट देता है। इनफैक्ट उन्होंने उस एलियन टीचर की बात पर अमल किया था अपना सेकंड प्लान तैयार रख के। फिर हम देखते हैं कि नागिसा वापस अपनी क्लास में जाता है, उसे स्कूल जाता है तो वो नया सोल्जर नया ट्रेनर भी वहीं पर होता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्ट पे वैक्सीन दे दूंगा, तुम्हारे हाथ में ये जो एलियन का सर है ये तुम्हें मुझे देना होगा। लेकिन तभी सारे बच्चे वहां पर आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि अंकल हम इस वायरस की वैक्सीन बना चुके हैं। वो कहते हैं कि देखें अब हम आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक, हमें आपकी किसी एंटीडोट किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं। वो उसे मिट्टी में दबाकर उसका बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं और वो बेचारा यहाँ फिर से हार जाता है। तभी वहाँ पर आर्मी आती है और बच्चों से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब ये एलियन हमें दे दो ताकि हम खुद इसे मार दें। गवर्नमेंट उसे एक ऐसे चैम्बर में रख देती है जहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब्स एक्सप्लोड होने वाले थे। ये सब कुछ उनके स्टूडेंट्स और वो टीचर लाइव देख पा रहा था, लेकिन स्क्रीन पर वो एलियन सब बच्चों को ये मैसेज दे रहा होता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा टीचर बना और मैंने तुम लोगों को इस काबिल बना दिया कि तुम लोग अपनी जान बचाकर किसी का मुकाबला कर सको। एक टीचर के लिए इससे ज्यादा
खुशी की बात क्या होगी कि उसके स्टूडेंट ने उसे एक अच्छी बात सीखी, जिसे सुनकर सब स्टूडेंट्स को बहुत दुख होता है कि ये तो बहुत अच्छा टीचर था। अभी वो एलियन टीचर यही बातें कर रहा होता है कि हम देखते हैं कि उसके चैम्बर में ब्लास्ट हो चुका है और अब वो मारा जा चुका था। वो बच्चे बहुत रोने लगते हैं, लेकिन ये क्या, वो एलियन टीचर इनके साथ दोबारा दिखाई देता है जो इनके साथ मिलकर रो रहा होता है। अब फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये बच्चे उस एलियन टीचर के साथ मिलकर असैसिनेशन क्लासेस ले रहे थे, यानी फाइट करना सीख रहे थे। और यहाँ पर हम पास्ट का फ्लैशबैक कंटिन्यू होता देखते हैं। इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।